नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं मोतिहारी की यात्रा पे। मोतिहारी बिहार के पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय है। ये पटना से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो आपको सड़क के दोनों ही ओर बहुत ही खूबसूरत पेड़ देखने को मिलते हैं। यदि आप गर्मी के सीजन में जाएंगे तो यहाँ आपको सड़क के दोनों ही ओर आम और लीची की बागवानी दिखाई देगी। आम के पेड़ तो आपने हर जगह देखे होंगे, लेकिन लीची के जो पेड़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब उन पे लीची होता है। तो यदि आप लीची के सीजन में जा रहे हैं तो आप लीची के पेड़ के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो मोतिहारी स्टेशन का नाम बापूधाम मोतिहारी कर दिया गया है। इसे काफी खूबसूरत बनाया जा रहा है। यहाँ स्टेशन पे आपको जगह जगह गांधी जी के विचार लिखे हुए मिल जाएंगे और गांधी जी से संबंधित बहुत सारी पेंटिंग और मूर्तियाँ आपको यहाँ पे स्टेशन पे ही मिल जाएंगी। यहाँ गांधी जी की जवानी की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं पूरे मोतिहारी में, जबकि बाकी देश के हिस्सों में आपको उनके बुढ़ापे की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से वॉक इन डिस्टेंस पे है गांधी संग्रहालय। यहाँ गांधी संग्रहालय में बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। 1917 में जब चंपारण में गांधी जी आए थे तो उस समय जैसे दिखते थे वैसे ही यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है उसी वेशभूषा में। यहाँ संग्रहालय में गांधी जी से संबंधित काफ़ी कुछ रखा हुआ है। काफ़ी पुरानी पुरानी उनकी तस्वीरें हैं और मूर्तियां हैं, लेकिन संग्रहालय की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। भारत में अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण से ही की थी। यहाँ के जमींदार किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ये वही नील है जो आप सफ़ेद कपड़ों में अपने डालते हैं। आजकल जो नील बनाया जाता है वो उस तरीके से नहीं बनाया जाता है। ये औद्योगिक खेती होती थी और अंग्रेज बहुत ही सस्ते में किसानों से नील खरीद लेते थे। जबकि यहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, वो अपने खेतों में अनाज उगाना चाहते थे जिसे वो खा सकें। और इसी के विरोध में किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया और गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब हिंदुस्तान में आए तो वो इस आंदोलन से जुड़ गए और यहीं से उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ गांधी संग्रहालय में आपके लिए नील के पेड़ लगाए गए हैं जिसे आप देख सकें कि नील के पेड़ कैसे होते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। और इस किसान आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी धारा 144 के उल्लंघन में, और इसी स्थान पर न्यायालय में उन्हें पेश किया गया था जहाँ ये 48 फीट ऊँचा खम्भा आज स्थापित किया गया है उन्हीं की याद में। गांधी संग्रहालय के ठीक सामने सड़क के उस पार एक विशाल चरखे की स्थापना की गई है।
और यहाँ पत्थर पे गांधी जी के जीवन को उकेरा गया है और ये चरखा अब यहाँ शहर का नया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस चौराहे को अब चरखा चौराहा के नाम से लोग जानने लगे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मोती झील की ओर। मोती झील के ही नाम पे मोतिहारी शहर का नाम है। ये झील बहुत ही विशाल है और बहुत ही प्राचीन है। ये 302 एकड़ में फैला हुआ है ये झील और प्राचीन काल में इसमें मोती की खेती होती थी। बाद में इसमें मत्स्य पालन शुरू हुआ। पिछले कुछ दशकों से झील की हालत बहुत ही खराब थी और लगभग झील का 70-80% हिस्सा जलकुंभी और खरपतवार से भर गया था और ये झील नाले जैसा दिखने लगा था। ये झील झील जैसा दिखता ही नहीं था, लेकिन 2017 में सरकार ने इनिशिएटिव लिया और इस झील की सफाई शुरू करवाई और आज की डेट में ये झील पूरी तरह से साफ हो गया है जलकुंभी और खरपतवार से। और झील जो कि पहले नाले जैसा दिखता था, अब काफी साफ सुथरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखने लगा है। लेकिन अभी भी किनारे के जो हिस्से हैं वो और बेहतर बनाए जाने चाहिए और इसे एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में विकसित करना चाहिए। यहाँ पे अभी काफी कुछ किया जा सकता है जिससे ये शहर के मुख्य आकर्षण में शामिल हो सके। मोती झील से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे गांधी चौक की ओर, मोती झील से थोड़ा सा ही आगे जाने पर आपको पुराना यमुना होटल मिल जाएगा। यहाँ का नॉनवेज बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ का अहुना मीट ट्राई करें। ये मटके के अंदर पूरी तरह से सील पैक करके धीमी आंच पे पकाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही जबरदस्त होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप होटल वाले से बात कर लेंगे तो ये ऐसी पैकिंग करके दे देते हैं कि वो 4-5 दिनों तक वो मीट खराब नहीं होता, अगर आप उसे पैक करके ले जाना चाहते हैं तो। इसके बाद आप मुख्य बाजार से होते हुए आप चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पार्क जाएं। ये 2 करोड़ की लागत से बनाया गया बिल्कुल अभी नया पार्क है और चंपारण आंदोलन के 100 साल पूरे होने पे इसका निर्माण किया गया है। तो ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है और आपको यहाँ पे आके अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले हैं, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। Thank you.
चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पार्क के बगल में ही अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। इनका जन्म 1903 में हुआ था और इनके पिता अंग्रेजी सरकार में बिहार में अफीम की खेती के विभाग में उच्च पद पे थे। ये जन्म से एक साल ही मोतिहारी में रहे और उसके बाद ये अपनी माँ और बहन के साथ इंग्लैंड वापस चले गए और बाद में ये बहुत प्रसिद्ध हुए। राज्य सरकार इस जगह को जॉर्ज ऑरवेल के जीवन और रचनाओं से संबंधित एक संग्रहालय बनाना चाहती है, लेकिन अभी इसकी हालत जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक पत्थर पे लिखा हुआ है और एक उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा पूरा ये एरिया खंडहर है, तो अभी फिलहाल तो ये संग्रहालय सिर्फ कागजों में है और मैं नहीं बता सकता ये कब तक सरकार इसे पूरा कर पाएगी। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार इसे पूरा करे और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में मोतिहारी के ये शामिल हो। इसके बाद मोतिहारी से एक घंटे की दूरी पे केसरिया है, जहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। अभी इससे रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है और ये भी भविष्य में बिहार के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। फिर हम मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।